ये भी नया है भाई, कितने मनमोहक नजारे ना। स्वागत है गाइस आप सभी का एक नई वीडियो में। खोपोली ट्रेन लग चुकी है और हम करेंगे आज जर्नी करजत टू खोपोली की तरफ। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ करजत स्टेशन और ये आप देख सकते हो खोपोली ट्रेन लग चुकी है, इसी में बैठते हैं और खोपोली तक का सफ़र करते हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। खोपोली भाई कितने बजे की है? 3:39। तो भाई चलते इसी ट्रेन में और पकड़ लेते जगह डोर वाला साइड ताकि नज़ारे शूट कर सके और निकलेंगे हम करजत से खोपोली की तरफ। बाय लोको पायलट इंजन आ रहा है, कोई तो लोकोमोटिव इंजन भी आया। दिस वन इज लोकोमोटिव इंजन कमिंग टूवर्ड्स करजत, देख रहे हो आप। ऐसा कुछ है करजत स्टेशन और ये ट्रेन जस्ट यहाँ पे आई है और हम यहाँ से जा रहे हैं टूवर्ड्स खोपोली। ये आगे यहाँ पे खड़ा हो गया कोई लोकोमोटिव इंजन, बहुत सारे यार यहाँ पे, तो दो तीन तो आपको देख रहे होगे स्क्रीन पे। एक पीछे येलो वाला है, एक मिनट जूम करके बताता हूँ, एक पीछे येलो वाला है और ये अभी अभी आगे खड़ा हुआ है 27221। और ये चल पड़ा यहाँ से भी, ये शायद जा रहा होगा किसी और ट्रेन में अटैच होने, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे इंजन लगते होंगे आगे ढलाने, इसलिए आगे घाट सेक्शन शुरू हो जाता है ना, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे लोकोमोटिव इंजन खड़े रहते होंगे। वन मोर लोकोमोटिव इंजन कमिंग टूवर्ड्स टू करजत, देख रहे आप। ये भी नया है भाई, ना ना ये कोई पुराना मॉडल लग रहा है। तो कितने लोकोमोटिव इंजन यहाँ पे, अभी अभी पहले कुछ दो मिनट पहले मैंने आपको दूसरा वाला बताया था, वो यहाँ पे वहाँ पे जाके खड़ा हो गया और ये दूसरा वाला अभी अभी आया यहाँ पे और आगे भी बहुत सारे हैं। इंडियन रेलवे आर द बेस्ट, क्लासी ना एकदम, वेरी नाइस। ओ तू चल भाई, दे दिया इसने हॉर्न, जैसे ये चल पड़ेगी देखेंगे खूबसूरत नज़ारे। यार आके ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके और इसका चलने का नाम नहीं, पता नहीं कब चलेगी। चल ले भाई जल्दी, ओ चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी भाई अपनी ट्रेन। करेंगे वीडियो शूट, कोई ट्रेन आ रही है। ये कोई लॉजिस्टिक वाली ट्रेन पास हो रही है मेरे ख्याल से, इसमें सामान वामान लाद के ले जाते होंगे इधर से उधर। ये पकड़ ली ट्रेन ने रफ्तार, देख रहा ट्रेन मुड़ती हुई। ये कब कब जब होती है ना ट्रेन ऐसे मुड़ती है ना तो देखने बहुत ही शानदार लगता है। वाह इसमें तो पूरी मुड़ गई है, वाह 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 वाह।
और आगे ये पहाड़ देखो कितना ह्यूज लग रहा है। ऑसम ये नज़ारा तो, वाह 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 यार। जिसने भी मुझे सजेस्ट किया ना ये करजट टू खोपोली वाली जर्नी करने के लिए, ब्रो थैंक्स। ऊंचे ऊंचे पहाड़, फुल वेजिटेशन, और ये बहुत सारी पटरियाँ, और वहाँ से गुजरती हुई अपनी ये लोकल ट्रेन, क्या ही शानदार। तो गाइस ये 20 मिनट की जर्नी है ना आज बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही शानदार। ये और एक कोई लोकोमोटिव इंजन, पटरियां देख रहा ना कितनी घूम रही है, पूरी घुमावदार, पूरा पूरा कर्व है, और ट्रेन भी यहाँ पे अच्छी खासी मुड़ रही है। और ये कुछ नज़ारे, आज तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पे इतने खूबसूरत नज़ारे और ये ढेर सारी पटरियां, और आप ट्रेन का कर्व जो देख रहे हो, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये स्लो ट्रेन पकड़ी है मैंने, और इसके बीच में चार स्टेशन है, बट समवन सजेस्टेड मी कि डू दिस जर्नी, इट विल बी ऑसम एंड इट्स रियली ऑसम। तो गाइस अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, और खूबसूरत नज़ारे हमें देखने हैं, ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम खूबसूरत नज़ारे देखेंगे, सो बी विथ मी टिल द एंड। वो रियल नज़ारे अब शुरू हो गए गाइस, ऑसम यार। मुझे नेकेड आइज से देखने इतना मज़ा आ रहा है ना, स्क्रीन पे आपको देख के बहुत ही मज़ा आएगा। एंड मेरे ख्याल से जिनको ट्रेन जर्नीस पसंद है ना, उनको ये रूट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस रूट पे और जो नेचर लवर है उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि इतने मनमोहक नज़ारे ना, पता नहीं हम तो ऑल इंडिया ट्रैवल करने वाले और कितने ही खूबसूरत नज़ारे देखने मिलेंगे, लेकिन आफ्टर मॉनसून जो कुदरत का रूप होता है ना वो देखने लायक होता है, और इतना वेजिटेशन तो मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। सिटी में रहने वाले कहाँ वेजिटेशन देख पाते हैं, जैसे हम शहर से थोड़ा बाहर आ जाते हैं ना तो फिर हमारी आंखों को ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने मिलते हैं और हमारा दिल हो जाता है खुश।
सच में गाइस कुदरत से खूबसूरत कुछ भी नहीं, जो सुकून मिला ना दिल को यहाँ पे आके मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आई होप कि आपको वीडियो उतना ही अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। We have been reached first station, Kallavli. सूम सन्नाटा, कोई आबादी नहीं। और इधर का नज़ारा देखो, ये है केलवली स्टेशन और यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा यार, सुपर। मुंबई से दूर आने पे आपको देखने मिलता है ऐसे खूबसूरत नज़ारे और कोई आबादी नहीं, कोई क्राउड नहीं, रिलैक्स होकर के घूम सकते हो। चल बड़ी ट्रेन यहाँ से भी, एक मिनट का होल्ड होता है लोकल का, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और तुरंत रवाना हो जाती है अगले स्टेशन के लिए। वाओ फैंटेबुलस, आई डोंट हैव वर्ड्स, आई कांट एक्सप्लेन। मॉनसून में ना इस तरफ हम अगर बाय रोड भी आते ना कार लेकर के, काफ़ी सारे नज़ारे हमको शूट करने मिलेंगे। लक बाय चांस मेरे पास अगर ड्रोन आ गया ना तो हम क्या ही खूबसूरत वीडियो बनाएंगे फिर हम। खैर फिलहाल तो हम ट्रेन पे फोकस कर रहे हैं, ट्रेन वाले इस वीडियो लाएंगे, जब रोड ट्रिप होगी तब कार वाले वीडियो बनाना शुरू करेंगे। देख रहे हो ना बैक टू बैक माउंटेन्स, हालांकि थोड़ा बहुत फॉगी है, मैं मेरी आंखों से तो देख पा रहा हूँ, वीडियो में कितना कवर हो रहा है पता नहीं, लेकिन बैक टू बैक माउंटेन्स दिख रहे हैं। एक मिनट जूम करता हूँ, दिख रहे हैं। वेदर थोड़ा फॉगी हो चुका है, इतना क्लियर आ रहा नहीं होगा मेरे ख्याल से। ओ ये होता है भाई जन्नत का नज़ारा,
ये आ गया अपना सेकेंड स्टेशन लॉजी। बस इसके अगला स्टॉप है खोपोली और वहीं पे अपनी जर्नी हो जाएगी एंड। देखा ना गाइस, 20 मिनट की जर्नी थी और इतने खूबसूरत नज़ारे हमें देखने मिले। बैक टू बैक माउंटेंस, वेजिटेशन, लॉट ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे थोड़ी बहुत आबादी है, देख रहे हो। इनसे कोई छोटा सा गांव है। क्या ही शानदार नज़ारा। जब आउट ऑफ मुंबई वाली जर्नी करेंगे तो इसके आगे भी जाएंगे गाइस। अभी फ़िलहाल 2 मिनट में अपना स्टॉप आ जाएगा और अपनी जर्नी हो जाएगी वहीं पे एंड। कर्जत टू खोपोली अपनी जर्नी थी और खोपोली स्टॉप आ चुका है। ये आ गया अपना खोपोली स्टेशन, यहीं पे होती है अपनी यात्रा समाप्त और उतरते। तो भाई छोटी सी जर्नी थी करजट टू खोपोली, लेकिन शानदार थी। छोटे मोटे नज़ारे हमने देखे, बिग माउंटेन्स बैक टू बैक। तो जितना आपने स्क्रीन पे देखा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके इतना शेयर करना, निलेश को इसी तरह सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टाटा। Bye-bye, bye-bye, bye-bye.